बीजेपी में टिकट किन बताई थे? प्यारेलाल जी डोकियान अनकला तो और सुपर्ण चौधरी कोई नहीं कोंदे आपा अगर मेरी आवाज अगर प्रशासन तक जारी है तो आप भाई साहब ने जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करो ये वोट कोंदी कांग्रेस सरकार तो दुखी करी हमेशा दुखी करी ए के रे गांव का भाई खेम लो कैलकुलेशन खराब हो रही धरी बोलियो कैलकुलेशन हो जा सकी एक सी थोड़ी रहा हां आंकड़ा कड़ू ले के आए उदे आंकड़ा मेरा ही दूसरा को राम राम जी नमस्कार मैं अरुण थे देख रहे हो जल को झुंझुनू और अभी आप झुंझुनू के डाबड़ी बड़ौदा गांव के अंदर जगह गए ग्राम पंचायत लग गया तोड़ा कला और उरा फा आया है क्योंकि लोकसभा का जगह चुनाव नजदीक आ गए ही वो भी चीज ने लेके आप बात रहा खेतरी साइड में है और मंडेला साइड में है झुंझुनू शहर में आप काफी सारी जगह चुनाव यात्रा करी ही और आज इस साइड में गाँव के अंदर आप आया क्योंकि मेरे कड़े को मानना है कि शहर के बजाय जो गाँव जगह ही बेखड़े कड़े तय करी ही कि किन जगह पर टिकट मिलेगी कौन जगह वो जीत सके है और किको माहौल जगह वो बन रहे है बात आप आया हाँ और थोड़ा सा जानने की कोशिश कराँगा क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं टाइम जो वो बच्चों को ने है तो जानने की कोशिश कराँगा कि अन लोगों को क्या मानना है कि किन की टिकट मिल सके है और कौन जगह है वो इस बार लोकसभा के अंदर बाजी मार सके है जो नए सांसद है वो बन सके है तो हम सब बातचीत कराँगा एक अंकल जी साथ में ही बेटे अंकल जी राम 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 जी क्या नाम है तारो रामेश्र नाम मैंने तो कि चुनाव एक सल्ट का और दूसरा आया है तो चलता ही रहेगा सरपंच का जाएगा ना पंच का है ये साल तो चलता ही रहेगा चलता रहेगा हां पास सरपंच का जाएगा लास्ट में आज तो कहां ही साल तो चलता ही रहेगा और पूरी साल सरपंच में बहुत चुनावों को चर्चा होती रहेगी हमें लगा कि सरदाम ज्यादा आनंद आओ चुनाव की चर्चा करना में बैठ जा तावड़ी भी सुहाव है सारा काम काम से ठीक है सरदाम तो बढ़िया रही है ओके घर में हम पसीनो आओ है दोनों का आवे कन्नी डेट का भी आवे पब्लिक का भी आवे पब्लिक का भी आवे सही बात है मैं तो जहाँ भी विधानसभा का चुनाव तो सलट गए लोकसभा का चुनाव नजदीक आ गए और मेरे कड़े कड़े मानो है थारो के मानो पहले तो बनाया तो जहाँ एक अंदर तो मेरे सबसे टिकट जगी है बाकी मिल भाई ज्यादा इम्पोर्टेंट होती होगी हाँ भाई हो इम्पोर्टेंट आदमी साफ छवि को चाहिए सीधी बात ये मेरे जो मेरे दिमाग है वो तो कह प्यारेलाल जी डूके साफ छवि को आदमी है बीजेपी की कैंडिडेट में कांग्रेस में कांग्रेस में तो अब कौन ले रहा है मन बेरो भी कोनी नहीं वो तो कांग्रेस तय करेगी भाई किन मिला किन मिला वो ध्यान में कोना तो कौन टिकट ले रहा है फिर भी कोई अंदाजा तो थाने लागतो होगा भाई किन राजकुमार जी ने मिल जाए गोड़ा जी ने मिल जाए सब एक ही चट्टे बट्टे का है कोई से नहीं मिल जाओ चाहे और क्या लागे ये बात जहाँ लोकसभा का चुनाव जाए ही तो राम मंदिर भी पीछे बड़े हो पीछे कितनों के फायदे मिलोगे कितने की सीट निकलेंगी देखो बंक बारे में तो आप एक दावड़ी गाँव पूरा सर्वे कहें करके देश का है कौन देश का ना दावड़ी गांव तो कौन देश लेकिन थाने तो ठीक है तो मैं मारियो मत हो वो कितना देख रहा है तेरा तो मारो मत हो वो बता दियो मारो मत हो वो बता दियो अरे वो तो बता दियो हां तो थारे गांव से किन से तारे होते मतलब आते हैं मार तो बीजेपी निकलेगी बीजेपी निकलेगी अब बीजेपी में टिकट किन बताई थे प्यारेलाल जी डोकियान राजस्थान में 25 मुख्य सीट आऊंगी बीजेपी की अब सब मैं बताओ कौन बताओ बात हम ही को नहीं ताऊ जी तो होशियार है उसे युवा शक्ति हाँ बिल्कुल टारो सर नवयुगल पूछा बिल्कुल कुछ युवा शक्ति भी मौजूद बस बातचीत कराऊंगा तो अंकल जी तो साफ बना कर दिया मैं मानव राजस्थान हूँ मतलब मैं तो झूठने की बता कहा तो पहले आप राजस्थान की बात कर लिया जय अभी बात करा कि जहाँ राम मंदिर को जो फैसलो आयो हो मंदिर बने भी हो जनवरी के अंदर है तो भी सब बीजेपी को क्या लगा कि कितनों के फायदा उसका कितनी की सीट निकल सकेंगे छिटा को तो ठीक है अब की बार बीजेपी की सरकार आओगी डाबड़ी गांव में क्या माहौल है किन के लागत आना कांग्रेस से बीजेपी से किन के टिकट मिल सके पहले कांग्रेस की बात करना कांग्रेस को लागत आना किन के टिकट मिल सके कांग्रेस से तो अब राजकुमार शर्मा विजेंद्र ये ही दोनों से मिलेगी नहीं मिलेगी अच्छा और बीजेपी में क्या लागत किन मिल सके बीजेपी में प्यारेलाल जी डूके अनकला और मिल सके अनकला तो और सुपर्ण चौधरी अच्छा मतलब दो तीन लोग दौड़ में ही बात किया है तो थारी पसंद की है अंदर प्यारेलाल जी डूके के कारण मौको देनो चाहिए मन भी तो सुपगंज ने कट दी वाला एमपी मौको सुपगंज जी ने विदय के मिल गो प्यारेलाल जी मन भी कोन मिलियो अब आते पर बन गाएंगे अब का तो कोनी बनया अब का कोन बनया हां पर तो बन गया बात है मौको मन आदमी चेक करना चाहिए कि किसो के पोटेंशियल है भाई है भाई मैं कराऊंगा बढ़िया आदमी है बड़े आदमी है हां टिकट मिला मेरा स्कूल में पढ़ेड़ा मैं तो भी स्कूल में पढ़ेड़ा हो या बात है ना हां जी साहब राम 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 क्या नाम है राकेश आगे जी क्या काम करो अब तो खेती वाले काम करेगा जीरो काम करोगे हां और किसी का बड़ा खेती खेती ठीक है राव दो तुम्हारे ना 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 हैं के बाय है सब है सिरसो चना सिरसो चना गेहूं सिरसो के भाव चल रहे हैं सिरसो के 5 का आसपास बार बार चल रहे हैं क्या लगा आपका सरकार की बनेगी लोकसभा में लोकसभा में तो बीजेपी की हसी दोबारा बीजेपी की हसी दोबारा ये बात इसो के काम करा दियो इसो तो मतलब निदान तो नहीं कराई चल गए शिशु के मायने निदान कौन करायो लावणी की भी गारंटी ले रही ले रखी हुई है क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं
पुरसो काम करे बताओ। अच्छो अच्छो, एक तो राम मंदिर बना दियो, ताजा ही है और भी बढ़िया है, विदेश में भी डंको बाज रहे है सगेड़ो। डंको बाज रहे है सुना है गड़ तक डामडी तक डंको डंको सुन रहे है सगेड़ा, ये पूरे देश में सुन रहे है, सुन रहे है। चलो 25 में से क्या सीट मान के चल जाओ, 25 ही आऊंगी, 25 आऊंगे। अच्छा तो 20 ही बताई, ये कोनी 25 में 25 ही आऊंगी, 25 बता रहे है ये तो रह भी जा, आ भी जा। चलो ठीक है, मैं तो झुंझुनू से क्या लगा है कि कांग्रेस बीजेपी की बात कर ले, कांग्रेस सखी की टिकट मार के चल रहे होते हैं। कांग्रेस में तो विजेंद्र रोड़ा की संभावना मन रही है। अच्छा, और बीजेपी से किन मान रहे होते? बीजेपी में प्यारेलाल ढोकिया जी को चांस लगा। सीटा में मतलब सारा कंफ्यूजन है, बाकी नाम तो चार तो एक याद रहो, सीटा में कंफ्यूजन है 20-25 में, बाकी तो मतलब सरकार आ जाएगी, बात है बीजेपी की। हाँ, बीजेपी की सरकार आ गई, कंफर्म है, कंफर्म आ गई। कट्टर बीजेपी तो नहीं होते? ना ना, कट्टर को नहीं है। तो काम देखी वोट दोगे? काम देखी, काम देखी, देनो भी चाहिए, काम देखी वोट देनो चाहिए, बिल्कुल। कोई नहीं, कौन दे आपा वोट? अगर मेरी आवाज अगर प्रशासन तक जारी है तो आप भाई साहब ने जल्दी जल्दी गिरफ्तार करो, ये वोट कौन दी? कोई नहीं भाई, सारा नेता चोर ही, देखो मैं जो अपना तो सीधो सो मत तो जीतो तो कोई कोई आपा वोट ने दिया, तो जीतता कोई, जीतता कोई, पर आपनो मत कौन दे, तो कौन पर दिया करो, पर नोटा ही है तो कौन जल्दी कौन दे, ना देनो लगती तो नोटा लगती तो है, कोई सो पसंद नहीं आना, नोटा दे दो तो बस सही रद्द हो जा, सही रद्द दिन तो अपने हिसाब में, तो अपने हिसाब में सारो वाने सारा ने कौन दिया के वोट, कदे आज तक नहीं, विधानसभा में कौन दिया, कोई सा ही कौन दिया पता, सारा ही चोर लग गया बंदा में घर आके क्या करवा दो बटा को, तो घर आके बस है आपने, मैं तो कौन दिया तो कौन दिया, अपनी मर्जी, अब कोई गुलाम वोट का एक का दो थोड़ी हुई है, ना ना हुई तो कोनी है, तो अपन काम करा अपन, के नाम बता रहो, नवीन नाम, नवीन जी के काम करो, गाड़ी है बिकन घुमाने के लिए लेके आयो, अच्छा आ जाओ, थोड़ी सी आगे ही है, ज्यादा दूर को नहीं, चल आऊंगा काम तो, बस तो चर्चा सुनाई, चर्चा तो थोड़ी सी चर्चा ही कर ले, बताओ टिकट आगे किन मिलती है, मैं दो थे नहीं, आपने तो कोई मत को नहीं, चीज के लिए कोई मत को नहीं है ना, कोई मूड को नहीं, कोई नहीं मिलो चाहे आपने तो, कोई कोई नहीं मिलो, आप तो वोट घर चोरी है, अपन ने तो अपना काम कोई काट की जाए, अपन कोई काम का डाकी जाए, बिल्कुल। तो सबका आप आपका मत देखो, कुछ और भी वैसा खड़े वैसा बातचीत कराऊंगा, सबका आप आपका मत, लेकिन वोट देना चाहते हो, मेरे हिसाब से यार राय ये रहेगी कि किन्ने भी दो, तो बता रहे कि भाई कोई सो अच्छे होंगे, तो थोड़ा सो अच्छा है, 19-20 तो बिन दे दो, लेकिन वोट देना चाहिए। बेटा क्या नाम है? वोट पटना का के? कुनाल। बोला की वोट है, नाम बताओ, नाम नाम क्या है? कुनाल। नाम बताओ, नाम है, नाम बताओ बेटा, बता दो पापा के नाम है, ना तो आपको बताओ ना पापा को बताओ, बताओ वो आगे बेटा जाओ, नाम बताओ बेटा, नाम की बेटा, नाम क्या है, नाम के नाम चुनाव का नहीं बताऊंगा, कौन बताऊँ अभी, हाँ जी राम राम जी, राम राम जी, क्या नाम बता रहो? निरंजन जांगिड़। निरंजन जी के काम करो? मैं तो कोरियर कंपनी में काम कर रहा हूं। अच्छा, तुमने कहा कि चुनाव नजदीक आ गए हैं, टाबरी तो देखो छोटा अभी तो कोई है, लेकिन के माहौल लग रहा था ना भाई? मैं तो बीजेपी का समर्थक, के कारण है बीजेपी नहीं वोट देगा, के कारण है? कारण एक तो राम मंदिर बने हुए, अच्छा बीके पक्ष में आवा, अच्छा और एक वो है हिंदू, राम मंदिर के फायदा होगा, फायदा तो नहीं होगा लेकिन हिंदू तो है कि तो वो होगी ना, बीके बेटा या मान लो तो बीजेपी राम मंदिर के अलावा सब कुछ विकास के विकास ही हो है, बीके बिकले, कांग्रेस को हाथ दिखता है, गुस्सा जाएगा, गुस्सा की बात करी होगी, कांग्रेस को थप्पड़ सो लगा वो यहाँ वोट ही बीजेपी ने, कांग्रेस सोचा अरे वाह बिल्कुल, साफ करना सुखी रहना सीधो सा काम को, तो जी के काम करो, तैयारी कर रहे हैं टीचर की, टीचर की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की? नहीं थर्ड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की, अच्छा तो ये पहले भी दिए गए एग्जाम, जो एग्जाम दिए कितना नंबर आवा के रहे हो? नंबर 5 नंबर कम रहेगा, लेकिन पेपर लीक होना और ये कारण 2021 में भी नजदीक जा ही रहेगा, ये थोड़ा सा दुखी करने वाला काम होगा कि आदमी तैयारी कराए फिर पेपर लीक हो जाए, तो एक दुखी तो आदमी मेंटली तो हो ही है, कांग्रेस सरकार तो दुखी करी है हमेशा, दुखी करी आपका तो बीजेपी आ गया, आपके पैदा रखो तो आपका आंदे वैकेंसी, आपका इंटरव्यू लोग अध्यापक पद पर ही देना था अच्छा तो क्या लगे लोकसभा में किन 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 ले रहे हैं और कांग्रेस बीजेपी में? लोकसभा में फिलहाल तो प्यारेलाल जी को ही विचार है, अच्छा। प्यारेलाल जी आऊंगा, आन टिकट मिल जाएगी तो कन्फर्म है जीत, आन टिकट मिला तो कन्फर्म है, नहीं कन्फर्म को ना अजी बीजेपी के वहाँ तो कोई नहीं मिलो, अच्छा जीती है, जीती है, हाँ 25 में से क्या सीट मान रहे हो? 25 पूरी, हाँ मोदी का फैन लगा बंदे, मोदी का सभी ही कौन कौन है? हाँ तो कोई बात नहीं, राहुल गांधी ने छोड़ दिए सभी सोनिया गांधी जी भी हेंगे? ना नहीं मैं खुश, सोनिया गांधी जी भी बन जैसी धीरे धीरे बनता जा रहे हैं, पापा लॉजिस्टिक कंपनी चलाओ दिल्ली में, अपनी दिल्ली में, हाँ जी तो अभी छुट्टी हटा होगी? हाँ छुट्टी हटा, 2-3 दिन सौ का टाइम चालू है, सौ का टाइम चालू, शादी अटेंड करना आया होगा? हाँ जी
अच्छा तो गांव में आगे किसको लाग रहे है? देखो गांव का भाई बैठा था बहुत खुशी गांव की ओटगुने देखो बारह फकड़े जल जाओ चाहे किसी मल्टीप्लेक्स में रहो लेकिन गांव की जगह शुद्ध हवा है गांव को तो बताओ चिड़िया खड़े लाती है बड़े दिल्ली में चिड़िया देखो ये पेड़ी कौन दिल्ली में पेड़ी कौन प्रदूषण भी खूब होगा बहुत भयंकर गर्मी भी खूब होगी बहुत भयंकर चुनाव वोट देने भी आओगे ना उठा वोट देना जरूर आऊंगा जरूर आऊंगा क्या लगा ये बार था ना की सरकार बनती लागे केंद्र का मानता तो कॉन्फिडेंस हो गया खेरा वो देख लिए थे बीजेपी का विकास है मोदी जी के कारण है राम मंदिर है 370 और बहुत विकास करे हैं अच्छा अपना रोडा को विकास देख लो हर जगह बेटे झुंझुनू के बारे में कितनी जानकारी था क्या लागे झुंझुनू किन के टिकट मिल सका है झुंझुनू देखो दो तीन उम्मीदवार हैं लेकिन प्रहलाद जी को ऊपर चल रहे नाम अभी अच्छा क्या कारण चल रहे देखो प्रचार प्रसार है बढ़िया अभी जो करंट कंडीशन है हिसाब से बढ़िया दो तीन और कौन सा अपने का लाओ कौन सा नाम है और एक अपना चौधरी जी सुभगन जी अच्छा और हां और तो भी फिलहाल दो ही दान कांग्रेस हूं कांग्रेस को बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस में तो एक परिवार है ओला जी पापा के हिसाब से देखो राजकुमार जी को मिल जाएंगे राजकुमार जी को देखो अभी कोई पतो कोने चलो ओला जी मिल गई इन्हें सुभगन जी मिल गई है बताओ क्या क्या डंगर आ गया कौन जीता को फिर सुभगन जी सुभगन जीतेगा सुभगन जी बड़ी आदमी जीतेगा फिर बीजेपी के कारण जीतेगा और बड़ी आदमी दोनों ही बात दोनों ही बात दोनों ही बात होगी ठीक है वीरेंद्र जी क्या काम करो मैं गुड़गांव हूं फोर्टीज हॉस्पिटल गुड़गांव फोर्टीज हॉस्पिटल में अच्छा अभी थे छुट्टी आए रहोगे हां बस सास भी है कतली खाने के हां कतली खाने आज आज की मेल मार कोई हां आज की शाम की बरात कर की है बरात काल की बरात डेंगरी फेज आओगे बात है अच्छा निवाई जाऊंगा निवाई जाऊंगा बढ़िया ना तो की चुनाव के बारे में किसी के जानकारी के लागे की कोई मामला लग रहा था ना माहौल तो बीजेपी को है पिछले 10 साल से रहा अगली 20 साल और बीजेपी को ही रहेगा वाह पिछले 10 साल और 20 साल और रहेगा ये तो कॉन्फिडेंस क्या है कॉन्फिडेंस बीजेपी काम करवा रही है देश के लिए काम करवा रही है क्या काम करवा रही है हर क्षेत्र में आगे है बीजेपी आज के टाइम में देख लो जाएगी ट्रांसपोर्ट में देख लो रोड के क्षेत्र में देख लो अच्छा हर चीज के मायने आगे रोड बढ़िया बढ़िया बनी सारी बहुत बढ़िया है वर्ल्ड क्लास रोड बन गई अच्छा रोड के अलावा और हर चीज में आगे है बीजेपी हर चीज में आगे तो कांग्रेस ने मौको नहीं दोगा बेओके बड़ो आगे है को नहीं मौको 70 साल मौको दियो ना अब जाने तो टाई है मौको यो इग्नोर कियो राहुल गांधी जी तो कर रहे हैं एक नया को बनू लेगी कश्मीर वो जति बार तक राहुल गांधी ने जति बार तक बीजेपी को हटाने को बे तो खिमा टाशू वो कांग्रेस में जति बार तक है जति बार तक बीजेपी को नहीं टास्क बे तो खिमा टाशू लो बीजेपी ने तो वो यहां तो खगो यहां थोड़े कदम में जिताना है अच्छा हां वो खुद बीजेपी में जाना बुलाई है उसका बीजेपी झुनम भी बीजेपी है 25 की 25 सीट अपने राजस्थान में बीजेपी 25 की 25 है 25 400 प्लस है एक भाई साहब मैंने आएगा मिले 25 में 20 बताए बाकी 25 में 25 ही बता रहे 25 ही 25 पानी तो कंफ्यूजन का है जना टिकट में देखो दावेदार तो खूब ही जहाँ अपने सुभगन जी भी हैं वीरपाल सिंह जी शेखावत भी हैं और अपने ढुकिया जी भी हैं प्यारलाल जी सब मेहनत कर रहे हैं बाकी वीरपाल जी और ढुकिया जी भी काफी दिन से मेहनत कर रहे हैं वीरपाल ढुकिया जी तो अपने निस्वार्थ भावना से कई साल से काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए मन भी टिकट मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है कांग्रेस ने देखो मैं तो ओला परिवार है नहीं अपने भी लाग रहे हैं हमारा तोगड़ाला दिनेश हुंडा जी भी लाग रहे हैं टिकट के लिए अच्छा लेकिन अब किन मिल जाए देखो कोई नहीं मिल जाओ आरनो तो निश्चित है गांव का भाई कैलकुलेशन खराब हो रही बोलियो कैलकुलेशन हो जा सकी एक सी थोड़ी रहा है आंकड़ा घड़ू लेके आए होते आंकड़ा मेरा ही दूसरा गुण दूसरा गुण है खुद को सर्वे बता दिया है हाँ। देखो वो तो आप आपको मत है कितनी के हो जाए वो तो 20 हो जाए 22 हो जाए 23 हो जाए वो तो आपको एक टुको लगाओ कि तो की है बाकी मेरा तो कोई नहीं गुने बराबर तो अभी आप देखा कि गांव के अंदर आप डाबड़ी बलौदा के अंदर हो सबका आप आपका मत ही कोई को मानो की कितनी सीट आऊंगी कोई को मानो कितनी सीट आऊंगी और किन के टिकट मिलेगी सब आप आपको मत बताओ थारो के मानो है की झुंझुनू से जुकी है बीजेपी की और कांग्रेस की टिकट किन मिल सका है और कौन जो को है वो बार बाजी मार सका है थे माना कब से जरूर बताओगा मिलांगा अगले अपडेट में तब तक के लिए राम राम।